वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है आपके लिए बीपीएससी की तरफ से, ठीक है। तो बिहार में जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए। ये शिक्षा भर्ती अक्टूबर के प्रथम माह में आरक्षण रोस्टर विक्लेयर कर बीपीएससी को शिक्षा विभाग की रिक्तियाँ मिलेंगी। मतलब कि अक्टूबर की जो पहला वीक है उसमें आपकी जो वैकेंसी है वो आ जाएगी। 15 अक्टूबर तक 6 से 12 तक के 70,000 शिक्षकों की वैकेंसी आ जाएगी। स्पष्ट शब्दों में आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है कि जो आपका अब अक्टूबर आएगा उसके फर्स्ट वीक में ही आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। और एस्टेट का जो एस्टेट है आपका एस्टेट, इसका रिजल्ट आपको 30 तारीख तक तो पक्का मिलने ही वाला है। इसलिए धैर्य बना के रखें, अपना दिमाग ख़राब ना करें, औरों की वीडियो 50 बार देखने की कोशिश ना करें कि एस्टेट का रिजल्ट आ गया। जैसे ही रिजल्ट आएगा टेलीग्राम का आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ओपन करके अपना रिजल्ट आप देख सकते हैं। मैंने बोल दिया है कि 30 तारीख तक आएगा रिजल्ट, तो 30 तारीख तक लास्ट मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। 30 तारीख तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब देखिए इस वैकेंसी के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पे देख लीजिए कि नवंबर अंत तक परीक्षा लेकर दिसंबर में फाइनल रिजल्ट देने का लक्ष्य है। मतलब कि नवंबर में आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा, अक्टूबर में फॉर्म भरे जाएंगे और नवंबर में आपका एग्ज़ाम होगा। प्रथम मतलब कि फर्स्ट वीक से ही आपका एग्ज़ाम होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब पूरे नवंबर में आपका पूरा एग्ज़ाम ही होगा और दिसंबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा। 30 दिसंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। सिलेबस और प्रश्न पत्र अपेक्षाकृत हल होगा, ठीक है। सिलेबस और प्रश्न पत्र अपेक्षाकृत भी हल होगा। एक एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है कि मेरी वीडियो में कभी भी मैं आपको शॉर्ट में चीज़ें नहीं बताता है ना। तो जो लोग शॉर्ट में चीज़ें जानना चाहते हैं वो अभी ही जा सकते हैं, और जिनको अच्छे से एक एक चीज़ समझनी होती है वो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। अब देखिए मैं आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ से मैं पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ कि शिक्षा विभाग कक्षा 6 से 12 तक लगभग 70,000 शिक्षक भर्ती के लिए आरक्षण रोस्टर क्लियर करा अक्टूबर प्रथम सप्ताह में रिक्ति बीपीएससी को भेज देगा। 15 अक्टूबर तक शिक्षक भर्ती के लिए वैकेंसी बीपीएससी में जारी हो जाएगी। 15 अक्टूबर लास्ट है, समझ रहे हो, 15 अक्टूबर लास्ट है कि आपकी वैकेंसी आ ही जाएगी। 15 अक्टूबर लास्ट है, ठीक है। उससे पहले ही आपको प्रथम सप्ताह में ही देखने को मिल सकता है। अगर आगे जाएगी तो 15 तारीख तक जाएगी। आगे 15 अक्टूबर तक शिक्षा भर्ती, यहाँ से देख लीजिए, वैकेंसी बीपीएससी से जारी हो जाएगी। शिक्षा विभाग ने कक्षा 6 से 12 तक के शिक्षकों के पद जिलावार आवंटित कर दिया है। जिलावार जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है कि इस जिले में इतने पद हैं, इस सब्जेक्ट के इतने पद हैं। आवंटित पदों को आरक्षण रोस्टर क्लियर कर शिक्षा विभाग ने जिलों से मांगा है। इस मतलब कि आरक्षण में एक मतलब कि आरक्षण का जो कैटेगरी है उसमें मतलब कि ये तो आपको मैंने बता दिया है कि इस सब्जेक्ट में इतनी वैकेंसी है और इस जिले में इस सब्जेक्ट की इतनी वैकेंसी है, लेकिन आरक्षण के अनुसार कितनी वैकेंसी है किसमें ये नहीं बताया है। तो वो एक सप्ताह के अंदर में वो भी जो है स्कूल्स भेज देगी बीपीएससी को, ठीक है। ये किसका मतलब है, इस सप्ताह के जिलों में रोस्टर क्लियर होकर रिक्तियां आने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि द्वितीय चरण में शिक्षक भर्ती की रिक्ति 70,000 से बढ़कर 1,00,000 या इससे अधिक भी हो सकती है। कारण यह है, देखो कितने भी 70,000 तो है ही, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया कि 70,000 तो है ही, इससे ज़्यादा भी होगा। मैंने लास्ट क्लास में ही आपको बताया था कि जो लोग फर्स्ट चरण में जो लोग फेल हो जाएंगे वो बहुत सारी रिक्तियां रह जाएंगी, वो इसमें जुड़ जाएंगे। और अभी और भी स्कूलों का आना बाकी है जिन्होंने अभी फाइल को सबमिट नहीं किया है, तो कम से कम 1,00,000 तो आएगी वैकेंसी आपकी, या तो 1,50,000 भी आ सकती है, 1.5, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये चीज़ देखिए आप। सिलेबस और प्रश्न पत्र अपेक्षाकृत हल होगा। शिक्षा विभाग सहित विभाग माध्यमों से बीपीएससी को शिकायत मिली थी कि इस बार शिक्षक भर्ती परीक्षा
में पूछे गए प्रश्न अधिक कठिन थे, इसलिए तय किया गया है कि आगामी परीक्षा के प्रश्न अपेक्षाकृत हल्का होगा। मतलब कि इस बार जो बीपीएससी का प्रश्न पत्र आया था वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड आया था, इस बार जो आएगा वो काफ़ी ईजी लेवल पर आने वाला है। वैकेंसी के साथ ही सिलेबस भी जारी कर दिया गया है, वैकेंसी के साथ भी सिलेबस जारी कर दिया जाएगा। मतलब कि वैकेंसी जो आपकी आएगी उसके साथ सिलेबस भी जारी कर दिया जाएगा, जो कि प्रथम चरण में सिलेबस जारी इन्होंने नहीं किया था, दूसरे द्वितीय चरण में आपका सिलेबस भी जारी कर दिया जाएगा इनकी साइट पे, इनकी वेबसाइट पे। प्रश्न पत्र सेट कराने में इसका ध्यान रखा जाएगा कि अधिक कठिन प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, है ना। जब प्रश्न पत्र को सेट किया जाएगा तो ये ध्यान रखा जाएगा कि अधिक कठिन प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाएगा। चरण में कक्षा 11 से 12 में लगभग 57,000 रिक्तियां हैं, इनमें आवेदक ही 42,000 हैं, यानी सभी पद नहीं भरने की स्थिति में ये पद दूसरे चरण की वैकेंसी में जुड़ेंगे। समझ रहे हो आप क्या कहा जा रहा है? देखिए, चरण में 11वीं 12वीं 57,000 पद थे, इनमें से आवेदन ही 42,000 हुए हैं। हाँ, अब 42,000 ही हुए तो आप 57 में से 42, मतलब इतने हुए ही तो आप 5 बचा ही रहे, 15,000 तो जो रिक्तियां हैं पीजीटी में वो तो ऐसे ही बच रही है। उसके अलावा जो 42,000 लोगों ने भरा उनमें से काफ़ी लोग फेल भी होंगे, हाँ वो रिक्ति भी रहेगी। मतलब कि 20,000 से 25,000 तक आपकी रिक्तियाँ पीजी में और जुड़ेंगी 11th 12th, ठीक है, यही यहाँ पे बताया गया है। यानी सभी पद नहीं भरने की स्थिति में ये पद दूसरे चरण की वैकेंसी में जुड़ेंगे, ठीक है, यहाँ पे मैं देख पढ़ रहा हूँ। कक्षा 9वीं और 10वीं में भी विषयवार रिक्तियों की तुलना में अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या नहीं रहने पर पद रिक्त रहेंगे। मतलब कि 9th 10th में भी यही हाल है, और रिक्तियाँ की तुलना में अगर कम बच्चे होंगे तो वो जो प्रथम चरण का जो भी होगा वो इस चरण में जुड़ जाएगा, ठीक है, जो दूसरे चरण की भर्ती में जुड़ेंगे, यही यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ पे देखिए, ये मैं पढ़ रहा हूँ, अक्टूबर मध्य में शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम होगा। देखिए, अक्टूबर मध्य में पहली कक्षा 11वीं और 12वीं के शिक्षक, फिर 9वीं 10वीं और अंत में 1 से 5 तक के शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी होगा। अतुल प्रसाद जी ने, एक अध्यक्ष जो है बीपीएससी के, उन्होंने कहा है प्रथम चरण की ये वाली बात जो बोली गई है, ये जो बात बोली गई है ये प्रथम चरण के लिए बोली गई है, ठीक है, कि अक्टूबर के मध्य में आपका रिजल्ट बिल्कुल सभी का जारी कर दिया जाएगा, ठीक है, जिनका रह गया है। अब ये मैं पढ़ रहा हूँ, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में बीपीएससी को रिक्ति भेजेंगे, जिलों से आरक्षण रोस्टर क्लियर कर रिक्ति भेजने को कहा है। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में रिक्ति बीपीएससी को भेज देंगे, ठीक है। तो ये था आज का पूरी बात जो मैंने आपको बता दी। तो अब आपको बस एक ही चीज़ करना है कि अपने आप को साध लेना है और अच्छे से आपको मेहनत करनी है, 5-5 घंटे 10-10 घंटे आपको पढ़ना है, एक एक टॉपिक आपको क्लियर करना है। और मेरे चैनल से जुड़ के भी आप तैयारी कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई फीस नहीं है उसकी। प्लेलिस्ट से जुड़िए, प्लेलिस्ट से कैसे जुड़ा जाता है किसी से आप पूछ भी सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। YouTube पे जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ से सारी वीडियो आप देख सकते हैं, सारी क्लासेस आप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तो मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, कोई भी प्रॉब्लम होता है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, और वहाँ से जुड़ने के आपके कई बेनिफिट हैं। आप अवेयर रहोगे हर चीज़ के लिए, कोई भी नोटिफिकेशन आएगा, कुछ भी न्यूज़ आएगा आपको वहाँ पे पता चल जाएगा, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, क्यूज़ होगा, सारी चीज़ें वहाँ पे बताई जाएंगी। वहाँ पे आप जुड़ना चाहते हो, स्व इच्छा आप जुड़ना चाहते हो वहाँ से जुड़ सकते हो, नहीं जुड़ना चाहते तो मत जुड़िए। बाकी आज के लिए इतना ही, तो अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, प्रिपरेशन के साथ जबरदस्त रहिएगा। तो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।